प्रदेश की राजधानी दिल्ली में श्रद्धा नाम की लड़की के टुकड़े टुकड़े कर देने वाले बॉयफ्रेंड आफताब के बारे में सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। पुलिस की थ्योरी कह रही है कि ये एक साइको किलर है। इसने श्रद्धा के सीने पर चढ़कर उसका गला घोटा। इसने श्रद्धा की लाश के 35 टुकड़े किए। इसने लाश के टुकड़ों को फ्रिज में रखा। ये 3 सालों से श्रद्धा के साथ रह रहा था, लेकिन श्रद्धा का कत्ल करने से पहले इसने उसके भरोसे का भी कत्ल कर दिया। दिल्ली पुलिस की माने तो आफताब एक तरफ श्रद्धा के साथ लिव इन रिलेशनशिप में था, तो दूसरी तरफ उसकी अय्याशी भी जारी थी। आफताब की रंगीन मिजाजी में उसकी कई महिला मित्र शामिल थी, जिसके बारे में दिल्ली पुलिस को काफी इनपुट मिले हैं। ज्यादातर महिला मित्रों को आफताब ने डेटिंग ऐप के जरिए अपने जाल में फंसाया था। श्रद्धा को उसकी धोखेबाजी की भनक ना लग पाए, इसके लिए वो सिम बदलता रहता था। इस शख्स की फितरत को ऐसे समझिए कि ये एक तरफ श्रद्धा के भरोसे से खेल रहा था और दूसरी तरफ महिला मित्रों के साथ अय्याशी का मजा लूट रहा था। श्रद्धा को इसकी सच्चाई का पता शायद देर से चला, या फिर उसने इससे सावधान रहने में देरी कर दी। आफताब ने दिल्ली पुलिस को खुद ही बताया कि श्रद्धा शादी का दबाव बना रही थी, इसलिए उसे मार डाला। ये भी बताया कि श्रद्धा उस पर शक करती थी, किसी से भी फोन पर बात करता तो झगड़ा होता था। हालांकि आफताब दिल्ली पुलिस की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहा है। वो अपना बयान बार बार बदल रहा है, पुलिस को गच्चा देने में लगा है, लेकिन इतना तो साफ है कि इसकी अय्याशी दोनों के रिश्तों में दरार की वजह बनी। अब दिल्ली पुलिस को श्रद्धा और आफताब दोनों के मोबाइल फोन की तलाश है। पूछताछ के दौरान आफताब ने यह भी बताया कि उसने श्रद्धा का मोबाइल मुंबई में कहीं फेंका है। इस केस में श्रद्धा का मोबाइल एक अहम सबूत साबित होगा। दिल्ली पुलिस की खोजी नजर उस फ्रिज पर भी है, जिसमें आफताब ने करीब 20 दिनों तक श्रद्धा की लाश के टुकड़े रखे थे। फॉरेंसिक टीम ने फ्रिज से भी कई नमूने उठाए। घर की तलाशी के दौरान पुलिस को श्रद्धा के कुछ कपड़े जरूर मिले, लेकिन वो सारे कपड़े धुले धुलाए थे। आफताब ने पूछताछ के दौरान पुलिस को बताया कि कत्ल के बाद लाश के टुकड़े करने के लिए उसने श्रद्धा के कपड़े उतार लिए थे, फिर उन कपड़ों को 2 दिन बाद एक पॉलिथीन में डालकर घर के करीब ही कूड़े की एक गाड़ी में डाल दिया था, शायद 20 या 21 मई को। पुलिस की एक टीम उस कूड़ा गाड़ी और उस तारीख के कूड़ों को भी तलाशने का काम कर रही थी। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक आफताब के घर के बाथरूम की नाली की पाइप और जिस जगह ये नाली जाकर बड़े नालों में मिलती है, उनकी जाँच करने पर लाश के कुछ न कुछ टुकड़े जरूर मिलेंगे। भले ही वो टुकड़े बहुत छोटे हों, इसलिए फॉरेंसिक टीम आफताब के बाथरूम से निकलने वाली नाली और उसके पूरे ड्रेनेज सिस्टम की भी जांच करने जा रही है। कुल मिलाकर ये केस इस वक्त पूरी तरह से फॉरेंसिक जांच पर ही टिकी हुई है, इसलिए दिल्ली पुलिस ने श्रद्धा के घर वालों के DNA सैंपल भी उनकी मर्जी से हासिल कर लिए हैं। बरामद हड्डियां और बाकी सबूत जब ये साबित कर देंगे कि हड्डियां इंसानी ही हैं, तो फिर श्रद्धा के घर वालों के DNA सैंपल से इनका मिलान कराया जाएगा, जिससे ये साबित होगा कि लाश के ये टुकड़े श्रद्धा के ही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।